हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज तेजस्वी फ्रॉम द डूडल बॉक्स। और आज है फोटोग्राफी फ्राइडे, तो आज हम देखने वाले हैं लाइटरूम ट्यूटोरियल के बारे में। और आज हमारा टॉपिक है गेम ऑफ थ्रोन्स कलर ग्रेड। गेम ऑफ थ्रोन्स तो सुना ही होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में नहीं सुना होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन अभी रिसेंटली आया है, तो आज हम उसी के इफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के दो इफेक्ट्स हैं, एक है स्नो इफेक्ट और एक है ब्राउन इफेक्ट। तो आज हम एक ही वीडियो में दोनों इफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें तो फोटो सिलेक्ट करनी होगी। मैंने ये दो फोटो सिलेक्ट की है और मैं आपको स्नो इफेक्ट और ब्राउन इफेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। स्नो इफेक्ट के लिए मैंने ये फोटो सिलेक्ट की है, आप देख सकते हो ये फोटो को। और इसको हम चेंज करने के लिए पहले जाएंगे कलर ऑप्शन में। कलर ऑप्शन में हम इसका टेम्प पूरा कर देंगे -40। अब आपको पता चला होगा कि मैं कौन सा इफेक्ट दे रही हूँ और आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन याद आया होगा। इसके बाद मैं टिंट को करने वाली हूँ +10 और वाइब्रेंस को मैं रखूँगी कुछ 30 तक और सैचुरेशन को -10। इसके बाद हम मिक्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स देख सकते हो, बट हमें यहाँ पे सिर्फ तीन कलर के साथ खेलना है, वो है एक्वा ब्लू, ब्लू और पर्पल। एक्वा ब्लू का यू हम कर देंगे पूरा 100 और उसका सैचुरेशन हम करेंगे कुछ 65 तक, 65-66 कुछ भी चलेगा गाइस। एक दो नंबर आगे पीछे हुए तो चल सकता है। और लुमिनेंस को हम यहाँ पे पूरा -100 कर देंगे। इसके बाद हम ब्लू ऑप्शन में जाएंगे। ब्लू ऑप्शन में हम यू करेंगे -5 और सैचुरेशन को हम -60 कर देंगे। उसके बाद लुमिनेंस आता है, लुमिनेंस को भी हम -65 करेंगे। इसके बाद है पर्पल। पर्पल का हम यू कर देंगे -100 क्योंकि हमें पर्पल शेड नहीं चाहिए, ब्लू का शेड चाहिए, इसलिए हम उसको -100 करेंगे। और उसका सैचुरेशन भी हम -100 कर देंगे। उसका लुमिनेंस हम सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 50 तक। इसके बाद हमें डन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आता है लाइट्स ऑप्शन। ये सन वाला बटन आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन है। मैं एक्सपोजर को कम करूँगी कुछ -0.40 तक और कॉन्ट्रास्ट को मैं करूँगी कुछ 45 तक। इसके बाद हाइलाइट्स। गाइस हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट्स को हमें पूरा -100 करना है क्योंकि हमें हाइलाइट्स नहीं चाहिए ये फोटो में। और सिर्फ उसके फेस पे लाइट आने के लिए हम वाइट्स को करेंगे +10। अब ये इस इमेज में थोड़ी सी लाइट है तो हम इसे थोड़ा डार्क करेंगे और इसके लिए हम ब्लैक को माइनस में रखेंगे। मैं ब्लैक को करूँगी अराउंड -78। आप देख सकते हो ये इमेज में डार्कनेस आया है और ब्लू का शेड आया है। तो इसके बाद हमें जाना है इफेक्ट्स ऑप्शन में। इफेक्ट्स में हम उसका क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ 15 तक और उसका डिहेज भी हम करेंगे 20 ताकि वो शार्पनेस थोड़ा नज़र आए। और सबसे एंड में हमें उसका डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग के लिए मैं उसका नॉइस रिडक्शन पूरा बढ़ाऊंगी कुछ 70 तक और उसका डिटेल्स बढ़ाऊंगी करीब 80। फिर हम उसका कलर नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 80 तक। तो गाइज ये है हमारा फाइनल इमेज। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा स्नो इफेक्ट इस इमेज में दिया है। आप अपने फोटोज़ पे भी ट्राई करके देख सकते हो। और इसके बाद हम जानने वाले हैं ब्राउन इफेक्ट के बारे में, तो चलो ब्राउन इफेक्ट के बारे में देखते हैं। गाइज ब्राउन इफेक्ट के लिए मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट की है और आज मैं इसको ब्राउन इफेक्ट देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी कलर ऑप्शन में और मिक्स बटन पर क्लिक करूँगी और रेड का यू मैं करूँगी कुछ 36-40 और उसका हम सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 67-68 और लुमिनेंस को हम माइनस में रखेंगे -90 कर देंगे लुमिनेंस को। उसके बाद हमें जाना है ऑरेंज। ऑरेंज का मैं यू को -12 करूँगी और उसका सैचुरेशन भी थोड़ा सा कम कर दूंगी मैं अराउंड 15-14।
उसके बाद हम लुमिनेंस को करेंगे 75। इसके बाद है येलो, येलो कलर में हम उसका सैचुरेशन को बढ़ाएंगे कुछ 60 तक और उसके लुमिनेंस को कम करेंगे 70 तक, 70-71 तक। और फिर हम जाएंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर में हम इसलिए जाने वाले हैं ताकि उसका जो जीन्स का जो ब्लू का शेड है वो नज़र ना आए। आप देख सकते हो पूरा कम हुआ है वो शेड, सैचुरेशन और लुमिनेंस मैंने दोनों भी -100 कर दिया है इसलिए वो ब्लू का शेड चला गया। तो डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस में हम टेम को करेंगे +14 और टिंट को हम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे कुछ 8 तक, वाइब्रेंस को हम करेंगे 65। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा येलो लाइट ज़्यादा है इसलिए मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगी, -6 रखूंगी। इसके बाद हमें जाना है लाइट्स ऑप्शन में, लाइट्स ऑप्शन में मैं सिर्फ कंट्रास्ट को बढ़ाऊंगी थोड़ा सा और करूंगी 24 और हाइलाइट्स पूरा कम कर दूंगी, 50 रखूंगी। उसके बाद हम उसका शैडो बढ़ाएंगे और शैडो को हम करेंगे 70। उसके बाद आता है वाइट्स और ब्लैक्स, वाइट्स और ब्लैक्स हम दोनों को भी माइनस में रखेंगे और -35 कर देंगे। तो ये हुआ लाइट ऑप्शन। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स ऑप्शन में और इफेक्ट्स में सिर्फ क्लैरिटी बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा और डिहेज बढ़ाएंगे सेम क्लैरिटी के जितना। इसके बाद हम वीनेट को माइनस करेंगे ताकि थोड़ा सा डार्क शेड आए साइड से और उसका मिड पॉइंट हम कर देंगे 55। इसके बाद लास्ट में आता है डिटेल्स, डिटेलिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉइस रिडक्शन को हम एज यूजुअल बढ़ाएंगे थोड़ा सा और 50 रख देंगे ताकि वो इमेज थोड़ी स्मूथ लगे और कलर नॉइस रिडक्शन को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और 60 करेंगे। तो गाइज ये है ब्राउन इफेक्ट का फाइनल इमेज, आप देख सकते हो ये है गेम ऑफ थ्रोन्स का ब्राउन इफेक्ट और आप कंपेयर कर सकते हो बिफोर इमेज, बिफोर में ये सब ब्लू कलर का लाइट था उसमें सब वाइट कलर का था और उसे हमने कर दिया है गेम ऑफ थ्रोन्स का ब्राउन इफेक्ट। तो गाइज आप वेट मत करो और आप अपने इमेज पे भी ट्राई करके देखो ये सब इफेक्ट्स। और गाइज मुझे ज़रूर बताइए आपको ये दोनों भी इफेक्ट्स कैसे लगे। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत ही बड़े फ़ैन हो तो आप ये दोनों भी इफेक्ट्स ज़रूर ट्राई कीजिए अपने फ़ोटोज़ पे। और अगर आप वो फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हो मेरे इफेक्ट्स यूज़ करके तो #TheDoodleBox डालना मत भूलना, मैं आपके फ़ोटो को रिपोस्ट करूँगी हमारे मेन अकाउंट पर। तो गाइज अगर आपको ये दोनों इफेक्ट्स पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी पूछना होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट फोटोग्राफी फ्राइडे के वीडियो में। पीस।